इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, नई जिम्मेदारी है, इनसे कुछ बात करते हैं और जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी ऑनलाइन में। धन्यवाद सर। एक नई जिम्मेदारी मिली है, अब इन जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन होगा? देखिए, संवैधानिक जिम्मेदारी है, संविधान सम्मत जो भी निर्णय होगा वही लेना आवश्यक होता है और उसी को हम भी लेंगे। तो इस नाते मैं महसूस करता हूं कि अभी तक के की जिम्मेदारी और आगे की इस जिम्मेदारी में दोनों में अंतर है, तो उस अंतर को देख करके ही उसे पूरा करेंगे और मुझे लगता है कि उसमें भी हम सफलता ही प्राप्त करेंगे। तीन बार विधायक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की राजनीति अभी और की जा सकती थी? देखिए, हम कभी भी इस प्रकार से ये नहीं कहने का काम किया कि हम ये करेंगे। हमको दल ने हमेशा आगे जो कार्य था वो दिया है, तो अब ये कार्य दिया है तो अब इस कार्य को पूरा करेंगे। उस कार्य को हम कर चुके, आज दल ने निर्णय लिया कि भाई ये करना है, तो मुझे लगता है कि मुझे उसी को ध्यान दे करके करना चाहिए। मतलब पर्सनली कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पार्टी ने जो दिया और शुरू से पार्टी के लिए ही किया, आज भी उन्हीं के लिए करेंगे, तो इस फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? देखो, मैं 2002 में ही इस बात का निर्णय ले लिया था कि अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि 4 चुनाव में जीत चुका था, 5वें चुनाव में। तो लोगों को भी आश्चर्य हुआ, मुझे कोई वो नहीं था, मैं संगठन का काम करने लगा, फिर मुझे राज्यसभा में भेज दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया। अब ऐसी स्थिति में हमेशा पार्टी ने ही दिया तो मैं क्यों सोचूं इस पर, जो दिया दिया, आगे का जो काम कराना चाहेगी पार्टी करेंगे। अब इस पर जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और महामहिम राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया। ये थे हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी, ने कहा कि पार्टी के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट, गोरखपुर, रजत भट्ट।